देहरादून में आपको महिला स्वावलंबन की टैक्सी दौड़ती हुई दिखाई देगी। महिलाएं टैक्सी चलाते हुए कुल मिलाकर नजर आएंगी आपको। परिवहन विभाग महिलाओं को प्रशिक्षण देगा और महिलाओं को इस को लेकर भी दक्ष बनाएगा। और महिलाएं जब हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में आगे हैं, ट्रक से लेकर बस से लेकर बड़े बड़े हमारे फाइटर जेट्स तक उड़ा रही हैं, तो फिर देहरादून में उत्तराखंड में महिलाओं को परिवहन विभाग ट्रेन करके क्यों नहीं आगे बढ़ा सकता, क्यों नहीं उन्हें एक नए हुनर के साथ एक नए रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता। अच्छी पहल, तारीफ के काबिल। सोनू से और भी जानकारी ले लेते हैं। सोनू, अब देखिए, अगर हम राजधानी की बात करें, उत्तराखंड के ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर जो ई रिक्शा है उनमें तो कुछ एक दो महिलाएं यहाँ सड़कों पर ई रिक्शा का संचालन करती हुई नजर आती हैं। लेकिन अगर हम टैक्सी की बात करें तो टैक्सी में अभी महिलाएं जो है वो ड्राइवर के तौर पर नजर नहीं आती हैं। और इसी की पहल अब उत्तराखंड का जो परिवहन विभाग है वो करने जा रहा है, खास तौर पर राजधानी देहरादून में महिलाओं के स्वावलंबन की टैक्सी का, जिसका आपने जिक्र किया है, ये महिलाओं को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और एक माह तक ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। और परिवहन विभाग इसको, इन महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहा है महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के उद्देश्य से, ताकि जो टैक्सी वाला क्षेत्र है उसमें अब जो महिलाएं हैं वो टैक्सी चलाती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं इसको व्यवसाय के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है एक निजी संस्थान के साथ, परिवहन विभाग देहरादून का झाझा क्षेत्र है, यहाँ पर उसने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया और वहीं पर इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा, अलग अलग जानकारी इनको दी जाएगी और एक माह के बाद जो है ये राजधानी की सड़कों पर स्वावलंबन की टैक्सी चलाती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं महिला उत्थान के लिए विभागीय स्तर पर एक ये प्रयास किए गए, हालांकि सरकार के स्तर पर भी मात्र शक्ति के सशक्तिकरण की बात, महिलाओं से संबंधित तमाम योजनाएं चलाने की बात और महिलाओं को स्वावलंबन बनाने की बात अक्सर कही जा रही है, और महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिकी महिलाओं की कैसे मजबूत की जा सकती है इस पर सरकार भी फोकस कर रही है। जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो और जो संबंधित विभाग के अधिकारी वो भी लगातार इन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब परिवहन विभाग ने पहल की है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में इस प्रशिक्षण के बाद जब ये महिलाएं आएंगी तो कहीं ना कहीं ये महिलाएं अन्य महिलाओं को जो कामकाज की तलाश में है उनको एक प्रेरणा देने का कार्य करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो महिला स्वावलंबन की टैक्सी, महिलाओं को आगे बढ़ाने की परिवहन विभाग की ये पहल, और ई रिक्शा तो चला रही महिलाएं लेकिन अब टैक्सी का स्टेयरिंग भी संभालते हुए नजर आएंगी उत्तराखंड में महिलाएं। परिवहन विभाग इसको लेकर महिलाओं को दक्ष बनाएगा, उन्हें प्रशिक्षण देगा। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप